अभी हम खाने जा रहे हैं स्पेशल राजस्थानी फूड, और राजस्थानी फूड की जो खासियत है जब तक उसमें दाल बाटी चूरमा ना हो उसका मजा ही नहीं आता। और अभी शेफ ने मेरे सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था भाई इसे क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं, तो मैंने बोला चले आप सबको भी बताते हैं कि इसे क्या क्या कहते हैं। तो बिल्कुल शेफ हेलो, तो सर आप बताइए सर इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये अपना कचुम्बर सैलेड है, उसके बाद में दाल त्रिकोलिया है, ओके ये हमारी फेमस दाल है राजस्थान की, ओके उसके बाद केर सांगरी की सब्जी, ये अपना गोविंद गट्टा है, स्टफ गट्टा करी बनती है दही की ग्रेवी में, सर ये पापड़ की सब्जी है, ओके मंगोड़ी के पुलाव है, पनीर हरा प्याज, बूंदी का रायता, आप ये देख सकते हो दो तरह तीन तरह की बाटी है हमारे पास, स्टफ प्लेन और वैसे। डेजर्ट में देखा जाए तो मावे की कचौरी है, चूरमा है, मक्खन वड़ा है, मोहन थाल है, और राजस्थान का फेवरेट घेवर है सर। अच्छा तो शेफ ये बताइए कितना हेल्दी है ये, मतलब देख के तो सर आ रहा कि बस पेट मेरा। सर आप देख सकते हो पूरा हेल्दी है, ऑयल फ्री खाना है हमारा और सारा नेचुरल है, मतलब लेंटल यूज करते हैं हर चीज में, चाहे वो गट्टा हो चाहे वो पापड़ हो चाहे वो मंगोड़ी हो, तो हर चीज में लेंटल के हिसाब से पूरा यूज किया है। बहुत सही, तो यार हम अच्छे से खा सकते हैं, हमको बिल्कुल भी अपने डाइट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज वैसे भी थोड़ी सी चीट चली रही है, तो शेफ ने जब बता दिया कि भाई बिल्कुल ऑयल फ्री है तो अपन खा सकते हैं अच्छे से, तो चलिए बिल्कुल मैं खाता हूँ, मिलते हैं, बाय बाय।